खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। मैं ही खुद अपना एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं एक चैनल के लिए कार्यक्रम शूट कर रहा था, सपने हो गए जिनकी अपने, जो 18 मार्च को हमारा शूटिंग था, जिसमें हम एक दिन में दो एक अच्छे आर्टिस्टों का एक इंटरव्यू हम करने वाले थे और उस सेट पे हमारे 12 से 13 कर्मचारी थे, लेकिन इस कारण से हमको शूटिंग रद्द करनी पड़ी। लेकिन हमने सारे कर्मचारियों का पैसा दिया है, किसी का हमने पैसा नहीं रखा, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि वो तो हमारे लिए काम कर रहे थे। अब आपदा आई है तो उस आपदा को सबको मिलकर हमको निपटना होगा, तो उन दिहाड़ी मजदूरों की मदद करें और एक सच्चा नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। जय हिंद। हमको एक सच्चा नागरिक, एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की मदद करें। कोरोना से तो आज नहीं कल नहीं, एक महीने बाद हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक मंदी आएगी, आर्थिक स्थिति लोगों की खराब होगी, उसकी भरपाई करना हमको काफ़ी समय लग सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम सक्षम हैं तो लोगों की मदद करें। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्यारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल बात कही 22 मार्च का जनता कर्फ्यू के बारे में, वो बात मैं समझता हूँ, आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सभी उनकी बात को मानें और जनता कर्फ्यू को सफल बनाएं। लोग घर से कम निकलें, बेवजह ना निकलें, मतलब कर्फ्यू है तो बिल्कुल घर पे ही बैठें। और उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही है कि जो लोग हम अपने बचाव के लिए घर में बैठे हुए हैं, लेकिन जो लोग हमारी बचाव के लिए बाहर काम कर रहे हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं, मीडिया कर्मी हैं, सफाई कर्मी है, जो भी बाहर रह के काम कर रहे हैं, उनके सम्मान में 22 मार्च को शाम को 5 बजे ताली बजाकर, थाली बजाकर, किसी भी माध्यम से हमको उनका सम्मान करना चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा एक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात है कि आसपास के माहौल को अच्छा रखिए, साफ सुथरा रखिए। और दोस्तों, कोरोना ऐसा शब्द जिससे आज अधिकांश लोग डरे हुए हैं, और मैं समझता हूँ इससे डरने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, बचाव बहुत ज़रूरी है। अगर बचाव नहीं करेंगे तो तकलीफ आएगी। सर्वप्रथम हमको अपना, अपने परिवार का और अपने आसपास का माहौल अच्छा रखना है। उसके बचाव के लिए आज सोशल मीडिया पे हमारी सरकार, हमारे कई तरह के चैनल, अखबारों में पूरे बचाव के रास्ते, नियम बताए जा रहे हैं, जो आपको सबको मालूम हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक अलग संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े कर्मचारी हैं, जो लोग आज काम पे नहीं जा पा रहे हैं, कृपया उनका आने वाले समय में वेतन ना काटें। और ये कोरोना की जो महामारी है, आज जो चल रही है, आज और कल तक जब ख़त्म हो जाएगी, उसके बावजूद कई महीनों तक मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब रहेगी, ख़ासतौर उन लोगों की जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिहाड़ी कर्मचारी हैं। तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि जो दिहाड़ी पे मजदूर हैं, दिहाड़ी पे कर्मचारी काम करने वाले लोग हैं, उनकी कैसे न कैसे, किसी न किसी माध्यम से हमको उनकी मदद करना चाहिए। अगर हम सक्षम हैं तो हम उनकी मदद करें।